हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार का पॉपुलर और ट्रेडिशनल रेसिपी, जो कि है लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा हम लोग घर में बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो प्रिपेयर करना है। डो प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैं आटा ली हूँ, पानी ली हूँ और नमक ली हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे करीब 500 ग्राम आटा ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आटे के बाद ऐड करूंगी एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अभी हल्के से इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। लिट्टी का जो डो है वो थोड़ा सा स्टिफ बनता है, नहीं तो उसका शेप अच्छे से नहीं आ पाएगा। अगर आपको लिट्टी सॉफ्ट खाना पसंद है तो फिर आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर और इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारा जो डो है वो एकदम रेडी हो गया है। अभी हम लोग मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ लहसुन ली हूँ, धनिया पत्ता ली हूँ, बारीक कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च, अदरक, नींबू, यहाँ पे मैं सत्तू का यूज कर रही हूँ, सरसों का तेल, थोड़ा सा अजवाइन, आम का अचार, आप कोई भी अचार इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट में है नमक। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन में मैं यहाँ पे सत्तू ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगभग 3 बड़ा कप सत्तू का इस्तेमाल कर रही हूँ। सत्तू ऐड करने के बाद अभी हम लोग इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 3 से 4 बारीक कटा हुआ लाल मिर्च और उसके साथ 1 मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अभी मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन को हथेली में क्रश करके ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। उसके बाद ऐड करूँगी 2 बड़ा चम्मच अचार। यहाँ पे मैं आम का अचार यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी अचार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कर दूँगी 1 पूरा नींबू का रस। आप अपने हिसाब से नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और अभी ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में ऐड कर दूंगी 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सत्तू का मसाला एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चोखा बनाना। तो चोखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही साथ 2 टमाटर और 2 आलू का भी। तो आलू को मैं पहले से ही बॉईल करके रख दी हूँ। अभी मैं बैंगन और टमाटर दोनों में ही थोड़ा थोड़ा चीरा लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक पाए। चीरा लगाने के बाद सबसे पहले हम लोग गैस को ऑन कर देंगे। उसके बाद बैंगन और टमाटर को थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे। हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और अच्छे से बैंगन और टमाटर को कोट कर लेंगे ताकि जब हम लोग इसका छिलका निकालेंगे वो इजीली छिलका निकल जाए। यहाँ पे बैगन को रोस्ट होने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा क्योंकि हम लोग इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। अगर हम लोग हाई फ्लेम कर देंगे तो फिर ये बाहर से जल जाएगा, अंदर से नहीं पक पाएगा। तो 6 से 7 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैगन दोनों साइड से कुक हो गया है। अभी हम लोग इसको एक प्लेट के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे और साइड में रख देंगे।
इसी तरह हमें टमाटर को भी रोस्ट करना है। टमाटर को भी रोस्ट होने के लिए 5 से 6 मिनट लगेगा, तो इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम में ही रख के रोस्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से रोस्ट होना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे छिलका भी थोड़ा थोड़ा उतरना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हमारा टमाटर भी एकदम रोस्ट हो गया है। तो अभी हम लोग लिट्टी बनाएंगे। तो लिट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे डो ली हूँ, मसाला ली हूँ और थोड़ा सा सूखा आटा ली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आटे का लोई बना दूंगी। ऐसे करने से जब हम लोग लिट्टी को बनाएंगे, मसाला फिल करेंगे, बहुत ही इजीली फिल हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आटे का लोई बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जो लोई है वो एकदम रेडी हो गया है। अभी हम लोग इसके अंदर मसाले फिल करेंगे। सबसे पहले हाथों को डस्ट कर लेंगे मैदा से, उसके बाद लोई लेके उसको सर्कल बना देंगे। ठीक सेंटर में उंगली रखते हुए एक कप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और सत्तू का मसाला फिल कर देंगे। मसाले को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि बाहर ना निकल पाए। उसके बाद हमें साइड को इससे अच्छे से क्लोज कर देंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा जो डो बच जाएगा उसको निकाल के साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हमारा एक लिट्टी बनके एकदम तैयार है। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बना है। अब इसी तरह हमें सारा लिट्टी को बनाएंगे। जैसे हम लोग पीठा बनाते हैं और उसके अंदर नारियल का स्टफिंग देते हैं, ठीक उसी तरह हमें लिट्टी को भी बनाना होता है। इसको जब हम लोग कप स्ट्रक्चर देते हैं वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक साइड ज़्यादा मोटा या फिर एक साइड ज़्यादा पतला ना रखें, एकदम इक्वल रखें ताकि ये ना चले। अगर आप एक साइड मोटा या फिर एक साइड पतला कर देंगे तो फिर जो मोटा साइड है वो कच्चा रह जाएगा और जो पतला साइड है वो ज़्यादा जल जाएगा। तो इसी बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सारा लिट्टी एकदम रेडी हो गया है। चलिए इसको पकाते हैं। लिट्टी को हम आज डायरेक्टली फ्लेम में कुक करने वाले हैं और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोटी सेकने वाला जाली। तो जाली के ऊपर मैं सारे लिट्टी को लगा दी हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिट्टी जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे लिट्टी पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट टाइम काफ़ी होता है। और यहाँ पे फ्लेम आप हमेशा रखें लो टू मीडियम के बीच। अगर आप हाई रख देंगे तो फिर लिट्टी जो है वो एकदम जल जाएगा और लिट्टी को हमेशा फटाफट पलटना होता है, नहीं तो वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लिट्टी जो है वो एकदम रेडी हो गया है। जो जो लिट्टी हो गया है मैं निकाल के इसको साइड में रख दूंगी और जो लिट्टी बच गया है उसको हम लोग कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सारा लिट्टी एकदम रेडी हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। लिट्टी जब कुक हो जाता है तब इसमें एक क्रैक्स आता है जिससे पता चलता है कि वो अंदर से परफेक्टली कुक्ड है। तो चलिए अभी हम लोग चोखा का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले बैंगन, टमाटर और आलू का छिलका निकालना है और यहाँ पे मैं सबसे पहले बैंगन से स्टार्ट कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छिलका जो है वो बड़े आसानी से निकल जा रहा है क्योंकि रोस्ट करने से पहले हम लोग इसमें तेल लगाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंगन एकदम अच्छे से छिल गया है। इसी तरह हमें सारा बैंगन, टमाटर और आलू को छीलना है।
छिलका निकालने के बाद अभी मैं ये सारी चीजों को अच्छे से मैश कर दूंगी। जब ये सारी चीजें अच्छे से मैश हो जाएगा उसके बाद मैं ऐड करूंगी एक बारीक कटा हुआ बड़ा प्याज और उसके साथ ऐड कर दूंगी 3 से 4 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच नमक और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमारा चोखा एकदम रेडी हो गया है। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो सर्व करने से पहले लिट्टी को थोड़ा सा घी के अंदर डीप कर रही हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है और भी ज्यादा अच्छा आए। तो मैं यहाँ पे सारे लिट्टी को अच्छे से घी के साथ डिप कर रही हूँ। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो फिर आप ऐसे भी लिट्टी को खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में सारा लिट्टी लगा दी हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ चोखा। अगर आप चाहे तो इसके साथ हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लिट्टी है वो एकदम सॉफ्ट बना है और अंदर से एकदम मज़ेदार है और अच्छे से कुक भी हो गया है। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।